वेलकम टू अगार 2022। स्वागत है आपका और आज मैं आपको लेकर आ गया हूँ एक ऐसे कंपनी के स्टॉल पर जो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप के ये कारपेट्स मैन्युफैक्चर करते हैं और इन्हीं से बात करने वाले हैं। आप अगर इस टाइप की बिजनेस करते हैं या आपको इन प्रोडक्ट्स की नीड है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो हेलो सर, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। एक बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे सर अपना? मेरा नाम अभिषेक करणवाल है, मैं धर्मेश टेक्सटाइल में ऐसे वाइस प्रेसिडेंट सेल्स एंड मार्केटिंग काम करता हूँ। और थोड़ा कंपनी के बारे में ब्रीफ कर देता हूँ। धर्मेश टेक्सटाइल क्या है, बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो कि नॉन वन कारपेट हो गया, टफ्टेड कारपेट हो गया, आर्टिफिशियल ग्रास कारपेट है, पीवीसी बैकिंग कुशन मैट हो गया एंड डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ द जो भी कारपेट में जितने तरह के प्रोडक्ट आते हैं वो ऑलमोस्ट सारे लोग प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं इसके अंदर, चाहे वो डोर मैट हो गया या वॉल टू वॉल कारपेट हो गया या आईटी सेक्टर में लगने वाला कारपेट टाइल हो गया या होटल इंडस्ट्री में जो यूज़ होता है कि हैवी कारपेट हो गया, टफ्टिंग कारपेट हो गया, कटपाइल कारपेट हो गया, उस तरह सभी तरह के कारपेट हम लोग बना रहे हैं आज की डेट में। तो ये सारे आपके इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है? हाँ, इसके अंदर इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग के अलावा जो भी रॉ मटेरियल हमारा यूज़ होता है वो सारा रॉ मटेरियल हमारा इन हाउस ही यूज़ होता है। अच्छा। वो रॉ मटेरियल ही मैक्सिमम 90% कोशिश करते हैं कि हम लोग फैक्ट्री में बनाते हैं। फैक्ट्री से रॉ मटेरियल बनाने के बाद उसके उसको कारपेट को बनाते हैं। कारपेट में जो फाइबर यूज़ होता है वो फाइबर भी हमारा इनहाउस ही बनता है इसके अंदर। और सर, ये आपकी ऑफिसेज कहाँ हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन कहाँ से होती है? ऑफिस हमारे अगर देखेंगे तो दिल्ली में भी हमारा ऑफिस है अपना, सेल्स ऑफिस है, उसके अलावा हैदराबाद में हमारा सेल्स ऑफिस प्लस डिपो है। अब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है भिवानी के अंदर जो कि हरियाणा के अंदर आता है वहाँ पे हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। अच्छा। जो भी कारपेट है सारा मैन्युफैक्चरिंग हमारा भिवानी के अंदर ही होता है इसके अंदर। और यहाँ पर सर आपने काफ़ी प्रोडक्ट शोकेस किए हैं और काफ़ी खूबसूरत स्टॉल भी है, तो ये प्रोडक्ट्स के बारे में देख लेते हैं। कुछ प्रोडक्ट के बारे में क्या खासियत क्या रहती है और किस तरह से आप मैन्युफैक्चर करते हैं? प्रोडक्ट के बारे में बता देता हूँ कि कारपेट के अंदर अगर नॉन वन कारपेट की बात करें तो नॉन वन कारपेट में जैसे प्रिंटिंग कारपेट हो गया, प्लेन कारपेट हो गया और डिफरेंट डिफरेंट काइंड के कारपेट हैं, जैसे एम्बोस हो गया, रनर हो गया, डिजिटल प्रिंट हो गया, रोटरी प्रिंट हो गया, वो सभी तरह हम लोग कारपेट हम लोग बना रहे हैं जो कि बेसिकली टेंट लाइन में यूज़ होता है, प्लस होटल इंडस्ट्री में हो गया, आपका बैंकेट हॉल में हो गया, वो यूज़ होता है। उसके अंदर अगर देखेंगे तो लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर हम लोग हैं। इफ़ यू स्टार्ट द काउंटी फ्रॉम 1 to 10 तो 1 to 10 जितने भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आते हैं कि वो 1 to 10 धर्मेश टेक्सटाइल ही आता है। अच्छा। हाँ जी, उसके आसपास भी हमारे मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोडक्शन यूनिट हमारे पास है, जो प्रोडक्शन प्लानिंग हमारे पास है, उसके आसपास भी कोई कंपनी भी नहीं है। अच्छा। अगर 1 to 10 काउंट करते हैं तो 1 to 10 वो धर्मेश टेक्सटाइल ही आता है, बिकॉज वॉट कैपेबिलिटी वी हैव नोबडी कैन गिव यू दैट। अच्छा। तो सर कुछ यहाँ पर आपने काफ़ी प्रोडक्ट शोकेस किए हैं, कुछ प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं? हाँ, मैं प्रोडक्ट के बारे में बता देता हूँ। जैसे ये प्रिंट आप देख, बेसिकली कारपेट आप सामने देख रहे हैं, ये डिजिटल प्रिंट होता है। अच्छा। डिजिटल प्रिंट की खासियत क्या होती है कि ये आपका जो भी आपका डिमांड है या आपका जो रिक्वायरमेंट है कि किस तरह का प्रिंट चाहिए, अगर आपको अपनी फोटो चाहिए या बैंकेट डॉल में कुछ डिफरेंट चाहिए तो उसके हिसाब से हम लोग प्रिंट करके देते हैं, डिजाइन मैनेज करके। अच्छा, आप डिजाइन दो, आप प्रिंट करके? हाँ जी, हाँ जी, वो प्रिंट करके हम देते हैं। जैसा कि आपने यहाँ पर सरफेस पे जो, हाँ, ये इसको डिजिटल प्रिंट बोलते हैं, जीमर मशीन होती है जो बेसिकली, जो जीमर मशीन देखेंगे तो इंडिया में खाली 2 या 3 मैन्युफैक्चरिंग के पास ही है, तो इसमें जो भी प्रिंट आपको चाहिए, जिस तरह के कलर चाहिए, अनलिमिटेड कलर है, वो सारे कलर इसके अंदर आ सकते हैं। फैब्रिक्स किस तरह के होते हैं सर इसमें? साइजेस के अंदर अपने हमारे पास जो होती है बेसिकली 4 मीटर तक है, जो भी साइज आपको चाहिए 4 फुट से लेके 13 फुट तक, वो साइजेस हम दे सकते हैं। लेंथ बेसिकली स्टैंडर्ड वैसे तो लेंथ होती है, लेकिन कुछ अगर डिमांड है अलग लेंथ का, 30 मीटर, 40 मीटर, 45 मीटर, 50 मीटर, वो लेंथ हम लोग दे सकते हैं इसके अंदर। अच्छा। यहाँ पर ये सारे डिजिटल प्रिंट ही आप जो देख रहे हैं, जो भी डिजाइन आपको चाहिए एज पर रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से हम लोग उसको क्रिएट कर देते हैं। अच्छा, कुछ स्टैंडर्ड साइजेस भी होते हैं यहाँ पर जैसे? हाँ, स्टैंडर्ड साइज बेसिकली नॉर्मली देखिए टेंट लाइन में स्टैंडर्ड साइज 5 फुट, 6 फुट, 10 फुट, 12 फुट ही चलता है, वो स्टैंडर्ड साइज विड्थ होती है। लेंथ नॉर्मली स्टैंडर्ड लेंथ 45 मीटर होती है। अच्छा। और उसके अंदर अगर थोड़ा कम भी लेंथ चाहिए तो वी कैन प्रोवाइड। ये किस तरह के मटेरियल, किस तरह के हैं सर? ये नॉन वन कारपेट बोलते हैं इसको बेसिकली, जो इसमें ऊपर पॉलिस्टर जो फाइबर यूज़ होता है, ये रिसाइकल पॉलिस्टर होता है, रिसाइकल फाइबर होता है, वो भी हम लोग इन हाउस ही बनाते हैं। तो यहाँ पर आपने जो ये शोकेस किए हैं कि किस बेसिस पे ये अलग है या किस तरह की? नहीं, ये खाली डिजाइन वाइज अलग अलग हम लोगों ने कर रखे हैं, क्योंकि अब इंडिया इतना बड़ा है, हर स्टेट में आप देखेंगे तो बिकॉज जो एग्जीबिशन है ये एग्जीबिशन ऑल इंडिया लेवल पर होती है, तो हर स्टेट का अपना एक कल्चर है, तो उस स्टेट के हिसाब से हम लोगों ने वो डिज़ाइन क्रिएट करे हैं, उस हर स्टेट को कवर करने की कोशिश करेगी, उस स्टेट के हिसाब से वो डिज़ाइन कवर अप हो जाए। या यहाँ पर जैसे ये आपने किस तरह से शोकेस? ये प्लेन कारपेट है, ये भी बेसिकली टेंट लाइन में यूज़ होते हैं, जैसे पहले जो होता था कि प्लेन कलर ज़्यादा यूज़ होते थे, ये एग्जीबिशन के अंदर हो गया, जो बड़ी एग्जीबिशन हो गई हैं उसमें प्लेन कारपेट यूज़ होता है, जो प्लेन कलर होते हैं जिसको कालीन, फैट, मंडप, इस तरह के आइटम बोलते हैं, वो यूज़ होते हैं। हाँ जी।
क्या एक अगर प्राइसेस की बात करें इन सब डिजिटल प्रिंट में क्या एक प्राइसेस? प्राइसिंग मार्केट को देखते हुए हम लोगों ने रखा है, बहुत कंपटीटिंग प्राइस रखी है कि एटलीस्ट कंज्यूमर भी उसको अफोर्ड कर सके, उस प्राइस को दिमाग में रखते हुए हम लोगों ने प्राइस रखा है। अच्छा, तो रिवील नहीं करना चाहेंगे अभी कुछ? और एवरेज क्या पड़ जाता है सर? वो मार्केट के हिसाब से प्राइसिंग है, ऐसा कोई प्राइसिंग बहुत ज़्यादा नहीं है कि कंपटीटिव प्राइसिंग है, एटलीस्ट एवरीबडी कैन अफोर्ड। अच्छा, जैसे सर ये अगर आर्टिफिशियल ग्रासेस की बात करें यहाँ पर, इसके बारे में बता सकते हैं सर? आर्टिफिशियल ग्रास कारपेट ये भी हम लोग अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इसके अंदर, अगर इंडिया में देखेंगे तो हम लोग फर्स्ट मैन्युफैक्चरर है जिन्होंने आर्टिफिशियल ग्रास कारपेट को कम्प्लीटली बनाया है। अच्छा, बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि ये तो ऊपर का यान हो गया, ये टफ करना है, लेकिन मेन इसका जो मेन गेम जो मेन प्लानिंग होता है वो बैकिंग का होता है, तो बैकिंग के लिए पूरा अलग से ही प्लांट पूरा आता है, वो हम लोगों के पास ही इंडिया में अभी, जो कि कम्प्लीट ये प्रोडक्ट दे सकता है मैन्युफैक्चरिंग। अदरवाइज इससे पहले सारा इम्पोर्ट ही होता था चाइना वियतनाम से, बट अभी कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि धीरे धीरे मैक्सिमम ऑल इंडिया मार्केट जितना भी है इम्पोर्ट धीरे धीरे कम होकर अपना लोकल प्रोडक्ट है वो मार्केट के अंदर जाए, ताकि इम्पोर्ट कम होकर लोकल प्रोडक्ट ज़्यादा आगे निकले। क्यों सर, अभी जैसे देखिए इस एरिया में देखिए काफ़ी चाइनीज़ का काफ़ी दबदबा है, वहाँ से काफ़ी इम्पोर्ट। चाइनीज़ में देखेंगे तो धर्मेश टेक्सटाइल से पहले चाइनीज़ कंपनी का काफ़ी दबदबा था नॉन वन कारपेट में, लेकिन अभी आप देखेंगे तो आधा इंच का एक इंच भी अभी आज की डेट में इम्पोर्ट नहीं हो रहा है। अच्छा। अभी हम लोग पूरा मतलब ऑल इंडिया पूरा कैप्चर कर चुके हैं, तो चाइना को ऑलमोस्ट आउट कर चुके हैं इस चीज़ के। अच्छा, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया यार। अच्छा। वैसे मोदी जी बोलते ना मेड इन इंडिया को थोड़ा प्रोत्साहन करो, तो वही हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए ग्रास के अंदर बनाया हमने, ताकि ग्रास में भी धीरे धीरे जैसे नॉन वन कैप्चर कर लिया है, स्लोली स्लोली चाइना को आउट करके वियतनाम को आउट करके मैक्सिमम इंडिया इंडियन मार्केट हम लोगों को ही प्रोड्यूस है उसके अंदर ग्रास में, तो पैसा कम से कम देश का देश में रहेगा ना। अगर इस प्रोडक्ट की बात करें, इसके भी इसका भी मैन्युफैक्चरिंग हमारा अपना ही है, इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है इसके अंदर, इसको पीवीसी कुशन मैट बोलते हैं, जो बेसिकली रेन सीजन में ज़्यादा यूज़ होता है, जितने भी आप देखेंगे 5-स्टार होटल होगा या 3-स्टार होटल है वो डोर के बाहर इसको लगाते हैं, ताकि इसमें अंदर गंदगी ना जा पाए, तो इसका भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमारा अपना ही है, सारा कुछ अपना ही बनाते हैं, और ये भी ऑल इंडिया लेवल में हमारा जाता है। तो क्या कुछ ऑन एवरेज प्राइसेस की अगर बात कर दें सर? प्राइसिंग मैंने बोला आपको कम्पिटिटिव, बहुत कम्पिटिटिव प्राइस है। अच्छा, हाँ, मतलब ये है कि अगर आपको लेना हो या बिजनेस करना हो, बिजनेस डील करना हो, तो आप डायरेक्टली कांटेक्ट करें और वहाँ से आपकी जो भी ऑल इंडिया वी हैव द डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप। अच्छा, वी कैन प्रोवाइड द मर्चेंडाइज थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर ओनली, डायरेक्टली ऐसे कंज्यूमर हम लोग किसी को प्रोडक्ट नहीं देते हैं, जो भी ऑल इंडिया लेवल में हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो प्लेयर्स हमारे खड़े हैं बेसिकली इस बिजनेस को आगे करते हैं, उनके थ्रू ही स्टॉक जा सकता है। अच्छा, क्या कुछ अगर आपकी कंपनी से कोई जुड़ना चाहे, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहे, तो क्या कुछ क्राइटेरिया रहता है सर? देखिए, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए काफ़ी सारे क्राइटेरिया हैं, उसका फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है, मार्केट रेपुटेशन कैसा है, सब उस चीज़ों पर डिपेंड करता है। अच्छा। उसके बेस पर ही एसोसिएट हो सकते हैं। और क्या कुछ जैसे अगर प्रोडक्ट की अगर गारंटी वारंटी की बात करें, क्या रहते हैं सर? लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई अभी तक तो ऐसे कंप्लेंट नहीं आया कि प्रोडक्ट में कोई कंप्लेंट हो। अपनी कोशिश करते हैं, अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट है, बिकॉज जो पैसा लगा रहा है, पैसा खर्च कर रहा है, उसका पैसा एटलीस्ट वसूल होना चाहिए पूरा। और कंज्यूमर डायरेक्टली नहीं ले सकता है, वो आपके डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू? कंज्यूमर जो भी हो थ्रू डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू ले सकता है, डायरेक्टली फैक्ट्री से नहीं ले सकते। अच्छा, और जैसे ये कस्टमाइजेबल आइटम्स की बात करें, अगर जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर है उनके पास जो डिजाइन आएंगे वो आपसे बोलेंगे और फिर उनके अकॉर्डिंग आप जो भी कंज्यूमर है कुछ कस्टमाइज कराना चाहता है बैंकेट हॉल के लिए, वो डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर को बोलेंगे, उसके थ्रू हम लोग कस्टमाइज कर देते हैं। अब वो होता है डेली बेसिस पे, हमारे यहाँ मतलब कस्टमाइज होता रहता है, वो डिज़ाइन उनके अकॉर्डिंग, क्या डिज़ाइन उनको चाहिए, क्या उनका डिमांड है, क्या रिक्वायरमेंट है डिज़ाइन का, क्या कलर कॉम्बिनेशन चाहिए। अच्छा। उसके हिसाब से हम लोग कस्टमाइज़ करते रहते हैं उसमें। और सर, अगर कोई आपके इन प्रोडक्ट्स में और सर्विसेज में इंटरेस्टेड है, कैसे आपसे कॉन्टैक्ट? कंपनी की वेबसाइट पर जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्या वेबसाइट होगी सर? या फ़ोन के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी सर वो कंपनी का कार्ड शो कर सकते हैं, तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, और यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, आप वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और सर, एट लास्ट में आप अपने प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के बारे में दर्शकों को क्या बोलना चाहेंगे? दर्शकों को यही बोलना चाहेंगे, देखिए ट्रस्टेबल कंपनी है, आज से नहीं है, बहुत सालों से धर्मेश टेक्सटाइल मार्केट में और टेंट लाइन में, और अगर देखेंगे तो फर्निशिंग लाइन में सब लोग जानते हैं धर्मेश टेक्सटाइल को, जो ब्रांड नेम सुंदरम के नाम से आता है, ट्रस्टेबल कंपनी है। अब कंज्यूमर का, डीलर का, डिस्ट्रीब्यूटर का, हम लोगों पे जो ट्रस्ट है वो ट्रस्ट कभी ख़त्म हुआ नहीं है, ना ही आगे फ्यूचर में ऐसा कुछ होगा। हम लोग भी अच्छे लोगों से एसोसिएट होना चाहेंगे लॉन्ग टर्म के लिए,
तो आप आ सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। हाँ या चलिए सर, थैंक यू सर, बात करने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।